तो वही सूर्य के कृतिका से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही आज 25 मई से नौ तपा शुरू हो गया है। आने वाले 9 दिन यानी 2 जून तक तेज गर्मी रहेगी क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी नौ तपा का असर रहेगा। वहीं पहले ही दिन गुना, अशोकनगर और निवाड़ी में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यदि पिछले सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 5 साल ऐसे रहे जब नौतपा में प्रदेश जमकर तपा। सबसे गर्म ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ रहे। अब की बार भी इन्हीं जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी। वही 12 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग ने शनिवार को छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्वालियर से संवाददाता योगेश पिसारिया जी। तो सबसे पहले हमने देखा कि बीते कुछ महीनों से गर्मी का भीषण असर देखा गया है, लोग तपते हुए दिख रहे हैं, लोग अपने घर से भी इसी वजह से वोट डालने नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि गर्मी एक कारण बन चुका है। तो अभी क्या मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है? मुस्कान जी, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो तापमान है लगभग 45 डिग्री के आसपास चल रहा है और इस तापमान को देखते यहाँ पर ग्वालियर कलेक्टर जो है चौहान जी ने उन्होंने निर्देश जारी किए हैं स्वास्थ्य विभाग को, जो वहाँ पर ये लू को लेकर वो सारी व्यवस्थाएं की गई है, उसमें ठंडे पानी की व्यवस्था है, फ्रिज की व्यवस्था है वहाँ पर और एसी की व्यवस्था है जी। और ये जो बाढ़ बनाए गए हैं मैडम जी, मैं आपको बता दूँ ये ग्वालियर में एक मुरार में बनाया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में लिए गए हैं। देवरा में ये बनाए गए हैं, दरबार में ये बनाए गए हैं और दीनदयाल नगर में बनाए गए और मोहना में बनाए गए। तो ये कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे भी जारी की यहाँ पर तो बैठ के लिए बना के जो रूप बनाए गए वहाँ पर दुनिया से सारी व्यवस्था की और स्वास्थ्य विभाग ने एक और आदेश जारी किया है प्रत्येक जगह अस्पतालों में और प्राइवेट लोगों को भी ठंडे पानी की व्यवस्था रखे यहाँ पर और जो भी लपट आते हैं उनको देखभाल। तो जैसा कि आपने बताया कि विभाग द्वारा सुरक्षा के इंतजाम और सब चीज अच्छे से किए गए हैं, तो हमने देखा है कि बीते 5 साल ऐसे रहे हैं जब नौतपा में प्रदेश जमकर तपा है। सबसे गर्म देखा जाए तो ग्वालियर, चंबल और मालवा और निमाड़ रहे हैं। अब की बार भी इन्हीं जिलों में क्या खास फोकस किया गया है? सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर इसे बनाए हुए रखा हुआ है क्योंकि इन नौ तपा में ही लगभग 45-44 डिग्री आता था, लेकिन इस बार तो आज के पिछले 6 दिन से भी तापमान 44 से 45 डिग्री लगातार रह जा रहा है। तो साथ बार कहीं ना कहीं अलर्ट है, कहीं ना कहीं लोगों स्वास्थ्य विभाग ने ये भी लोगों से कह रखा है कि कृपा करके आप लोग 12 से 3 बजे तक घर से ना निकले, ठंडे पानी पी के निकले और दिन भी जैसे पुराने और सारे के प्याज रख के निकले और कई ठंडे पानी की व्यवस्था है उनके खाने के करिए पी के निकले जी। तो अपने जैसे कि बताया कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर निकले, 12 से 3 बजे तक ना निकले अगर हो सके तो। तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि कब तक लोगों को इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है? अब ये कहना तो असंभव है तब तक, लेकिन 25 तारीख से 2 जून तक रहते हैं नौ तपा में, तो ये हिदायत रहती है कि कम से कम लोग जो है ज्यादा यूज करें और जो मिश्र भोजन है उसको कम से कम अवॉइड करें और लोग घर से ना निकले, आंखों में अपने सर पे पट्टी बांध के निकले और रुमाल डाल के निकले, गीला कपड़ा रखे, प्याज रखे, ये चीजें सब थोड़ा सा एहतियात तो बरतना पड़ता है क्योंकि लू है काफी तेज यहाँ पर ग्वालियर चंबल, तो बहुत गर्मी पड़ती है यार जी। तो महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद, फिर जुड़ेगी आपके साथ। तो जैसा कि हमने बताया कि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी भी दी जा रही है। अभी कुछ दिनों तक राहत तो नहीं मिल सकती, जैसे 9 दिनों तक, 9 दिनों के बाद राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।